आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी का विषय लेके आई हूँ और कक्षा पहली से। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने छोटी उ की मात्रा की थी, जिसमें छोटी उ की मात्राओं के शब्द हमने पढ़े थे, चित्र देख के शब्द पढ़े थे हमने। और आज साथ ही साथ ये नई वीडियो आप लोगों के लिए छोटी उ की मात्रा से ही संबंधित है, जिसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जिनको करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, और साथ ही साथ हम छोटी उ की मात्रा की और शब्दों की पहचान करने वाले हैं। तो बच्चों, छोटी उ की मात्रा वाले शब्द, पहला प्रश्न है शब्दों को उनके चित्रों से मिलाओ। यानी ये चार चित्र यहाँ पे बने हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, जिससे फॉर्म में छोटी उ की मात्रा फूट, ब में आ की मात्रा बॉल फुटबॉल, स में आ की मात्रा सा, ब में उ की मात्रा बून साबुन, ग में छोटी उ की मात्रा गुड़, में छोटी उ की मात्रा डी, य में आ की मात्रा या क्या बना बच्चों, गुड़िया, क छ में छोटी उ की मात्रा छू, आ कछुआ। ये चारों नाम हैं, उनके चारों नाम के चित्र यहाँ दिए गए हैं अलग अलग, आपको नाम के अनुसार चित्रों के साथ मिलाना है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहला है फ में छोटी उ की मात्रा फुटबॉल। तो ढूंढिए बच्चों, फुटबॉल कहाँ है? जी हाँ, फुटबॉल यहाँ है। तो फुटबॉल से लेते हुए एक रेखा आइए, जिसको आप फुटबॉल में मिला दीजिए। दूसरा शब्द, दूसरा नाम है समया की मात्रा साबुन, साबुन। तो बताइए बच्चे, साबुन कहाँ है? ये ना ना ना, जी हाँ ये रहा साबुन। तो आप साबुन को इस तरह से मिलान कर लीजिए। तीसरा शब्द है ग में छोटी उ की मात्रा गु, ड में छोटी की मात्रा डी, या क्या बना बच्चों, गुड़िया। तो छाटे बच्चों गुड़िया का देखे, जी हाँ यहाँ गुड़िया है। तो हमें जल्दी से गुड़िया को जाके शब्द से मिलान करना होगा। और क अगला शब्द है क छ में छोटी उ की मात्रा छुआ, कछुआ। तो बचा एक चित्र, यानी कछुआ का चित्र बचा है। तो इस तरह से ये प्रश्न को आपको घर पे भी करके देखना है। इससे क्या पहचान हुई बच्चों? इन सभी चित्रों के नामों में छोटी उ की मात्रा बताई गई है शब्दों के साथ। फुटबॉल, साबुन, गुड़िया, कछुआ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी छोटी उ की मात्रा से ही मिलता जुलता है। नए शब्द बनाओ। यानी देखिए, बीच में आपको य में आ की मात्रा या दिया गया और ये चार आधे आधे शब्द दिए गए। अब हमें क्या करना बच्चों? इस शब्दों से, इस नाम से इसको मिला के एक नया नाम बनाना। यानी ग में छोटी उ की मात्रा, ड में छोटी उ की मात्रा गुड़ी, यदि हम उसके साथ या मिला दें तो क्या बनता है बच्चों? गुड़िया। तो ग में छोटी की उ की मात्रा गुड़, में छोटी की मात्रा डी, में आ की मात्रा गुड़िया। इसी तरह से देखिए, च में छोटी की मात्रा चू, में छोटी की मात्रा ही चूही, यदि चूही के साथ या मिला दे तो क्या बनता है बच्चों, बताइए जल्दी। जी हाँ, चूहिया। च में छोटी की मात्रा, में छोटी की मात्रा, में आ की मात्रा चूहिया। अगला देखिए, क में छोटी की मात्रा को, ट में छोटी की मात्रा टी, कुटी के साथ या मिला दे तो बच्चों क्या, कौन सा नया शब्द मिलता है? कु, ट में छोटी मात्रा टी, या में आ की मात्रा या कुटिया। इसी तरह से अगला देखिए, ब में छोटी उ की मात्रा बू, ड में छोटी की मात्रा डी, बुड़ी के साथ यदि या मिला दे तो कौन सा नया शब्द बनता है? बुढ़िया। तो आइए मिलके पढ़े, गुड़िया, चूहिया, कुटिया, बुढ़िया। यदि ये चारों शब्द को अगर आप जल्दी बोले पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे गुड़िया, चूहिया, कुटिया, बुढ़िया, इस तरह से आप जल्दी जल्दी पढ़ के उनको याद भी कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है आएगा आपको इन शब्दों को पढ़ने में। साथ ही साथ बच्चों, अगला प्रश्न आपको दिया है, सही वर्ण भर के पूरा करो। यानी आपको दो यहाँ पे वर्ण दिए होंगे जिनमें अलग अलग, जिनमें मात्राएं लगाई गई है, आपको इस व्यंजन के साथ उसको मिला के नया शब्द बनाना है। जैसे ये है प में उ की मात्रा पू, प में छोटी की मात्रा पी, तो कौन सा शब्द इसके साथ सही लगेगा? पिल, पिल कुछ नहीं होता। यदि मैं प में छोटी की मात्रा पू और ल लगा दूँ तो क्या ये सही बनता है बच्चों? प में छोटी की मात्रा पू, ल, पुल। जी हाँ, तो पुल हमारा, पू हमारा सही शब्द है। इसी तरह से अगला देखिए, र में आ की मात्रा रा, रा के साथ हम क्या वर्ण मिलाए कि वो एक शब्द बने? ये क्या होगा बच्चों? ब में छोटी उ की मात्रा बू और ब में छोटी की मात्रा बी, यदि ब में छोटी की मात्रा बी रा, यदि बिरा बी कर दे तो कोई शब्द बनता है बच्चों? नहीं। यदि ब में छोटी उ की मात्रा यहाँ लगा दिया जाए तो ये बनता है बुरा। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है। अगला देखिए, ये है कान, यदि द में छोटी की मात्रा दी लगा दी जाए तो क्या दिकान कोई शब्द है? नहीं।
तो हमें छोटी की मात्रा यहाँ पे मिला दी जाए तो ये बनता है दुकान। तो जी हाँ, दुकान बिल्कुल सही शब्द है। अगला देखिए बच्चों, ये है टना। घ में छोटी की मात्रा घू, घ में छोटी की मात्रा घी। यदि घ में बड़ी की घ में छोटी की मात्रा घू, घ में बड़ी की मात्रा घी। यदि घी टना लगा दे, क्या ये सही शब्द है? नहीं। तो आपको सही वर्णों का चुनाव करना है। ये बनता है घुटना। अब ये सही नाम है। इसी तरह से अगला है प में छोटी की मात्रा पी और प में छोटी की मात्रा पू। तो बताइए बच्चों, जी हाँ, प में छोटी ऊ की मात्रा पुजारी बनता है सही नाम। तो ये हमारा नया शब्द बना, पुल, बुरा, दुकान, घुटना, पुजारी। तो बच्चों, इस तरह से आप घर पे भी छोटी ऊ की मात्रा और जो भी मैंने आपको आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी की मात्रा कराई है, उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, ये कार्य पत्रक आपके घर के लिए दिया गया है जिसमें चित्र देखकर शब्द पूरा करो। यानी यहाँ चित्र बनाया गया है और चित्र को देख के जो इन ये जो बीच में शब्द खाली है इनको पूरा करना है। मैं आपको पहला बता देती हूँ, जैसे ध डैश, तो ये आपको चित्र देख के क्या लगता है, क्या है बच्चों? जी हाँ, धनुष। यानी मैं यहाँ पे कौन सा शब्द व्यंजन नहीं है, न में नू, यानी न ऊ, न में छोटी उप मतलब नू, तो ये बन जाता है धनुष। तो इसी तरह से ये कार्यपत्रक आपको ध्यान से और अभ्यास करके पूरा करना होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।